तो आज हम बात करेंगे पंजी नंबर एक की, जो कि समेकित बाल विकास सेवाओं के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा पंजी नंबर एक के बारे में, जिसमें कि परिवार विवरण होता है, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा पूरे क्षेत्र के सर्वे करने के बाद उस पूरे क्षेत्र के हर परिवार का परिवार विवरण यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका एकदम फ्रंट पेज है, जिसपे कार्यकर्ता को अपना जिला, सेक्टर, वार्ड, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, कार्यकर्ता खुद का नाम और सहायिका का नाम भरना पड़ता है। अब इसके मुख्यतः यह दो प्रिंट होते हैं, जिनमें से जो कि हर एक पेज पे छपे होते हैं। तो मैं पहले प्रिंट से लेकर शुरुआत करता हूं कि आपको इस पंजी क्रमांक एक में परिवार के विवरण में क्या क्या आपको भरना है। तो देख लीजिए, इसमें हालांकि ऊपर श्रेणियां को दर्शाया गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए है, फिर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग और अन्य में सामान्य के लोग आते हैं। यहाँ पर धर्म भरने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मजहब से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद परिवार संख्या, स्थान, टोला, गली, मोहल्ला, वार्ड, इन सभी की को यहाँ पे लिखना है। और हाँ, एक परिवार का विवरण एक ही प्रिंट के एक ही पेज में होगा, इसमें फिर आप दो परिवार का विवरण नहीं लिख सकते। हर एक के लिए अलग अलग पेज को उपयोग किया जाएगा, हर एक अलग प्रिंट के लिए। तो देखिए, किसी एक परिवार का जब आप नाम लिखेंगे, उसमें उस परिवार की क्रम संख्या लिखेंगे कि परिवार में उसकी क्रमांक संख्या क्या है। फिर है विशेष पहचान, जी हाँ, हर एक जो प्रमुख सदस्य होंगे उनके आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी नंबर आपको भी यहाँ पे लिखना है। फिर परिवार के जो मुखिया है उसका नाम सबसे पहले आप लिखेंगे, जो भी मुखिया है, फिर उसके बाद उससे नीचे वाले लोगों को का नाम आप लिखेंगे। फिर परिवार के मुखिया का से जो संबंध है वो मुखिया के नीचे, फिर चाहे उनके बेटे हों या फिर बहू हों, बेटियां हों या फिर जो भी महिला पुरुष होंगे, तो उनके साथ मुखिया का क्या क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे पूरे संबंध में भरना है। फिर लिंग में महिला पुरुष आप लोगों को अच्छे से ही पता है। फिर वैवाहिक स्थिति में भी आपको वो विवाहित है या अविवाहित है या तलाकशुदा है या जो भी है, तो वो चीज़ आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जरूर आपको दिन, माह और वर्ष में लिखना है। और अप्रैल के माह में आयु पूर्ण हुए, मतलब अप्रैल के माह में, जैसे मैंने पहले बताया था, अप्रैल से अप्रैल तक का आप लोगों का कैलेंडर ये वाला चलता है, इस एक वर्ष होते हैं, तो उस हिसाब से वो कितने वर्ष और कितने माह का अप्रैल माह में हुआ है उस वर्ष के, जिस वर्ष का आप सर्वे कर रहे हैं जिस वर्ष में, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है। माँ का नाम लिखना है, अगर कोई बच्चा उस परिवार में, किसी बच्चा, कोई बच्चा है जो कि 0 से 6 वर्ष के अंडर का है, तो उसमें उस बच्चे के माँ का नाम भी आप लिखेंगे। फिर उसका लक्ष्य कोड जो होता है, मतलब अगर, या फिर कोई गर्भवती, इसको तो उसको आप पी से दर्शाएंगे, कोई धात्री है तो एल से, अगर कोई बच्चा है तो उसको सी से, किशोरी बालिका को ए से आप दर्शाएंगे। और अगर उनमें कोई भी विकलांगता की कोई भी, मतलब कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर है या मानसिक रूप से, या कोई दृष्टिहीन है, गूंगा है, बधिर मुख, ये इनमें से अगर कोई भी लक्षण है, तो उसको इस हिसाब से आप इस कॉलम पर भरेंगे। और वो आंगनबाड़ी क्षेत्र का निवासी है या नहीं, या फिर वह अस्थाई निवासी है, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रख के यहाँ पे आप भरेंगे कि वो स्थाई है या स्थाई नहीं है, हाँ और नहीं में। फिर उस, या फिर उसके आगमन की तिथि, जब उसका जो आगमन हुआ है उस गांव में, जब से वो वहाँ का निवासी है, उस चीज़ को आप लिखेंगे उसके द्वारा, मुखिया के द्वारा पूछ के। या फिर ये अस्थाई वाले लोगों के लिए, मतलब बाहर जाने की तिथि, या फिर अगर किसी की मृत्यु हो गई है उस मुखिया की या उस परिवार के किसी सदस्य की, तो उसकी डेट भी आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद है कि क्या नीचे दी गई ICDS सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ या नहीं, तो ये चीज़ ज़रूर आपको लिखनी है इसमें। फिर पूरक पोषक आहार के की सेवाएं हो, या फिर साधा पूर्व शिक्षा की सेवाएं हो, वो चीज़ आपको यहाँ हाँ और नहीं में आपको यहाँ पे भरनी है। तो इसी हिसाब से ये आपका जो पंजी क्रमांक एक है ये पूरा हो चुका है। इसके बाद अगर हम चलते हैं पंजी क्रमांक दो में, तो चलिए हम देख लेते हैं पंजी क्रमांक दो को इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जो पंजी क्रमांक दो है वो है समेकित बाल विकास सेवाएं पूरक पोषक स्टॉक। जी हाँ, स्टॉक के इससे पहले एक दूसरा भी रजिस्टर आता था जो कि काफ़ी चौड़ा होता था, लेकिन इसको अब शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है, जो कि आप अब नए रजिस्टर लेंगे तो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो पूरक पोषक आहार स्टॉक के बारे में चलिए आज हम देखते हैं। इसमें मुख्यतः 2 से 3 खंड होते हैं, और तीनों खंड को हम अच्छे से समझेंगे, जिनमें पहला खंड है पूरक पोषाहार दैनिक योजना। फिर जो उसका दूसरा खंड इसमें है, पूरक पोषाहार का उपयोग एवं स्टॉक का रिकॉर्ड। फिर उसके बाद इसी चीज़ खंड को एक बार दोबारा से लिख दिया गया है, मतलब खंड दो को दो बार दिया गया है, क्योंकि एक बार में स्टॉक का पूरा विवरण किसी एक प्रिंट पर आसानी से नहीं आ सकता है। तो पंजी नंबर दो में अगर हम पहले देखें कि दिनांक के बाद
यहाँ पे आप दिन और त्यौहार को डालेंगे कि कौन कोई कौन सा दिन है, और या फिर आप नंबर वाइज भी डाल सकते हैं, कहाँ जिस जगह पे रविवार पड़ता है आप वहाँ पे संडे या फिर कोई त्यौहार पड़ता है तो वहाँ पे छुट्टियों को भी आप दर्शाएंगे। गर्भवती एवं धात्री महिला का यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर देखिए रिपोर्टिंग माह में आप वर्ष आप डालेंगे और माह भी डालेंगे कि कौन सा माह है किस वर्ष का, और जब आपके द्वारा ये पोषक आहार का वितरण किया जा रहा है और स्टॉक में इसकी एंट्री की जा रही है। अगर किशोरी बालिका है तो उसका भी यहाँ पे नाम होगा। फिर सामान्य मात्रा में देखिए आपको स्पॉट फीडिंग या घर ले जाने हेतु राशन, जाहिर सी बात है स्पॉट फीडिंग में गर्म ताज़ा नाश्ता आता है, गर्म ताज़ा भोजन आता है जो कि वहीं पे आंगनबाड़ी केंद्र में ही बच्चों को परोस दिया जाता है, और घर ले जाने वाला जो राशन होता है इसको टेक होम राशन THR कहते हैं। तो उनकी जो मात्रा है सामान्य मात्रा है या अधिक मात्रा है वो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, वो भी 6 माह से 3 वर्ष वालों के लिए। ये एक अलग कॉलम है। फिर उसके बाद 3 वर्ष से 6 वर्ष वालों के लिए अलग कालम है जिसमें मात्रा वही रहेगी कि समान मात्रा और अधिक मात्रा के हिसाब से। और नाश्ता के लिए भी है कि यहाँ पे कौन सा नाश्ता है जो कि महीने टू महीने या फिर हर हफ्ते के हिसाब से फिक्स रहता है। फिर है कि कुल राशन की योजना में देखिए गर्म तैयार भोजन रेडी टू ईट के बारे में पूरी एंट्री करनी है और THR के बारे में पूरी एंट्री करनी है। और हम अब बात करेंगे अगर खंड नंबर 2 की, तो देखिए इस पे है कि पूरक पोषक आहार का उपयोग एवं स्टॉक। यहाँ पे भी आप माह और वर्ष लिखेंगे जिस माह पे में पोषक आहार गिरा है और जब आप स्टॉक में एंट्री करेंगे। जिसमें देखिए कुल राशन योजना में पहला है नाश्ता, जो कि हम नाश्ते का भरेंगे। फिर जो RTE है उसका यहाँ पर लिखेंगे, और घर ले जाने हेतु तो जो THR होता है उसका आप लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए सामग्री जैसे कि यहाँ पे गिरता है THR, जिसमें खिचड़ी होती है, बच्चों के लिए भी महिलाओं के लिए भी खिचड़ी होती है, हलवे के पैकेट होते हैं, और इसी प्रकार के जितनी और भी पैकेट आते हैं 4-5 सामग्री की या उससे ज़्यादा की, हर एक ज़िले में किशोरियों के लिए अलग, गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए अलग, और 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों के लिए अलग। तो उस सामग्री को आप यहाँ पे जो इसकी प्राप्ति है आपको उस महीने में कितनी प्राप्ति वो आपको लिखना है, और अगर पिछले महीने का शेष बचा है तो उसको जोड़ के भी लिखना है। फिर आपने उसमें से कितना उपयोग किया है उस महीने में वो लिखना है। हर एक सामग्री का अलग प्राप्ति और हर एक सामग्री का अलग उपयोग आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये यहाँ पे उपयोग हो जाता है, और अगर उपयोग करने के बाद यहाँ पे अगर आपका कुछ शेष बचता है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रारंभिक शेष जो अगले पिछले महीने का प्रारंभिक शेष है वो आपको यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद जो आपने उपयोग किया वो वहाँ लिखेंगे, और उसके बाद जो शेष बचता है अंतिम शेष वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरीके से ये होती है, और साथ में ही जो तिथि होती है जिस दिन आपको वो मात्रा आपके द्वारा बांटी गई है वो डेट आपको लिखनी है, और वो मात्रा लिखी जाएगी टोटल मात्रा किलोग्राम में, क्योंकि जब इस पूरी मात्रा को आप टोटल मात्रा को किलोग्राम में लिखोगे तब आपको पंचनामा बनाने में आसानी होगी, जो कि पंचनामा में आप लोगों को पूरे एक योग करके ही आपको लिखना होता है कि उस महीने में आपके द्वारा कितना पोषण आहार किसी भी गर्भवती महिला या फिर बच्चों को बांटा गया है, उस टोटल का किलोग्राम आपको निकाल के भरना है। तो इस तरीके से ये पंजी नंबर 1 और 2 समाप्त होते हैं। बाकी पंजी नंबरों के साथ हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक वीडियो को लाइक शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।